हमारे टीवी चैनल ओटीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। इतवार का दिन है और 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान, पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी, आप सबको भी मुबारक हो, मिलने जुलने वालों को, अहबाब को, दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को आज़ादी का 75वां सूरज जो है वो मुबारक हो। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, ओवरसीज पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से दिली मुबारकबादें। लेकिन हो क्या रहा है? क्या वाकई ही 75 सालों में हम आज़ादी हासिल कर सके हैं? क्या वाकई ही इन 75 सालों में हम दुनिया के सामने सुरखरू होकर खड़े हो सके हैं? हमने दो बड़ी जंगें और उसके अलावा कई ऐसी जंगें कि जो रिकॉर्ड पर तो मौजूद हैं लेकिन बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं की गई, वो भी हमने लड़ी। शहादतों की एक दास्तान पाकिस्तान की फ़ौज ने रकम की, 80,000 के करीब सिविलियन और फौजी, वो लोग जो बेकसूर थे वो पाकिस्तान की मोहब्बत की राह में मारे गए। नतीजा क्या निकला? सियासतदानों ने पाकिस्तान का सौदा करने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। जहां कहीं भी इन सियासतदानों को अपने मुफादात नज़र आए, इन्होंने फौरी तौर पर मुल्क की बाग दौड़ जो है वो आकाओं के हाथ में देने में कोई तामझ नहीं किया। अभी तक वही सूरत हाल चल रही है, बात लंबी हो जाएगी, तारीख की बात होगी, लंबी कहानी, लंबा प्रोग्राम, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम वक्त में आपको बड़ी ख़बर दे दूँ। लंदन से एक और बड़ी ख़बर आ गई है, बाजवा नवाज शरीफ मुलाकात जो कि नाकाम होगी। मैंने कल के अपने व्लॉग में बड़े वसूख से कह दिया है, और जो लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत है, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान हाई कमीशन में जो लोग इनकी हिफाजत पर मामूर हैं, क्या उनके पास भी कोई सबूत है? ये सब लोग प्राइवेट गाड़ियों में प्राइवेट कपड़े पहनकर रात के उस पहर एवन फील्ड पहुँचे, उसी एवन फील्ड कि जिस, देखिए कितनी वैसे दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह, ISI का हेड और एक दो और उनके साथी उसी मुल्ज़िम के घर में, उसी एवन फील्ड में पहुँचते हैं जिसका किस्सा जो है पाकिस्तान की अदालतों में इल्ज़ाम के तौर पर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया? दूसरी तरफ एक मासूम खातून को सिर्फ इसलिए थाने में बंद कर दिया गया कि वो जो है एक ड्राइवर की बीवी है, और वो ड्राइवर इमरान खान के स्टाफ ऑफिसर शहबाज गिल का ड्राइवर है। भाई ड्राइवर से क्या बरामद कराना है आपने? कोई आपने पाने, कोई आपने कोई टायर, उसके टायरों के जो होते हैं नट वो ठीक करवाने हैं, क्या करवाना है ड्राइवर से, क्या बरामद करवाना है ड्राइवर से? ड्राइवर के पास होता क्या है बेचारे के पास बरामद करवाने के लिए? लेकिन किया क्या? उसकी बेटी जो कि 10 माह की थी और साथ उसकी माँ को हवालात में बंद करके जुडिशियल कर दिया। दूसरी तरफ मुल्ज़िम के घर जाते हैं, प्रोटोकॉल है, शादियाने बजते हैं, आओ जाओ बैठो हटो बच्चों की आवाज़ें आती हैं, और कई लोग जो इनके इंतज़ाम में मसरूफ़ हो जाते हैं, और फिर जो खाने की भी चीज़ मुंह से निकालते हैं वो हाज़िर कर दी जाती है। लेकिन अंदर की कहानी जो अब मेरे सामने आई है वो बड़ी तहलका खेज़ है। इस कहानी की सच्चाई पर मैं 1,00,000% कायम हूँ, क्योंकि मेरे सोर्स ने बताया कि अंदर हुआ क्या। हुआ ये है कि प्लान लेकर आए थे जनरल नदीम अंजुम, जिसकी तायीद कर रहे थे जनरल कमर जवेद बाजवा,
लेकिन मियां बीमार शरीफ चूंकि अब इतने सियाने हो चुके हैं कि उन्होंने हूँ हाँ के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। उनको ये भी खदशा था कि शायद किसी की जेब में रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मौजूद हों और वो तमाम बातें जो ये मेरे से पूछें वो किसी ना किसी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। लिहाजा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनको ऑफर्स की जाती रहीं, उनको ये भी कहा गया कि गारंटी किसकी लेनी है, तो उन्होंने जब गारंटी के सिलसिले में जिस शख्स का नाम लिया, पाकिस्तान के बड़े ने, बड़े चीफ न्यूट्रन ने इस बात से माजरत कर ली, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि उस शख्स की गारंटी हमें काबिले कबूल नहीं है। और जब दबे लफ्ज़ों में, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जब दबे लफ्ज़ों में उन्होंने, यानी चीफ न्यूट्रन ने ये भी कहा, ये याद दहानी कराई कि आपने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था लेकिन हम फिर भी आपके पास आए हैं, तो उससे मियां बीमार शरीफ मज़ीद डर गए। बताने वाले बताते हैं कि मीटिंग के बाद जब अपने ख़ास दोस्तों के अंदर बैठे हुए थे, जिनमें से एक जो है वो सेठ भी हैं, अब सेठ से आप खुद ही समझ लें, मैंने कई प्रोग्रामों में उनका जिक्र किया, और मियां बीमार शरीफ के आजकल वो इमाम भी हैं, मियां बीमार शरीफ आजकल उनके मुक्तदी भी हैं। जब इस महफिल में ये मियां बीमार शरीफ बैठे मीटिंग के बाद, तो उन्होंने कहा, ये अरब अरब अल्फाज आपको बता रहा हूँ जो मुझे बताए गए हैं, उन्होंने कहा कि ये मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, ये समझते हैं कि मुझे घेर घार के पाकिस्तान ले जाएंगे और उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह सुबह के 4 बजे तख्तादार पर चढ़ाकर 2 मौलवियों 4 बंदों की मौजूदगी में जाती उमरा के कब्रिस्तान में दफना देंगे। ये खदशा जाहिर किया उन्होंने अपने प्रॉपर जो उनके ख़ास दोस्त हैं उनके अंदर। उन्होंने कहा मैं अभी पाकिस्तान जाने वाला नहीं, और इशारा करके साहकदार को कहा, साहकदार साहब आप भी अभी पाकिस्तान ना जाएं, बीमार बने रहें, पॉलिटिकल साइलम का केस लटकाते रहें जितना लटकता है, और मेरे केस को भी निगरान करते रहें, लेकिन अभी पाकिस्तान जाने का नाम ना लें। क्योंकि पहले भी 12 जुलाई को मेरा भाई मुझे गारंटी देकर गया था पाकिस्तान 2018 को कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊँगा और पीछे जो है वो आप आ जाएं। तो जब हम पीछे बाप बेटी गए तो हमें लाहौर एयरपोर्ट से ही जहाज के अंदर से गिरफ्तार करके पास खड़ी गाड़ी में बिठाकर अडयाला जेल भेज दिया गया। नाज़रीन इस सारे वाक़े का मैं भी गवाह हूँ, मैं लंदन से अबूजबी और लाहौर इनके हमराज सफ़र करके गया था, सारा मैंने देखा, उधर कोई इनकी बात नहीं सुन रहा था। आप खुद सोचिए कि अगर वो उनके इरादे बदल जाए और वो इनको पकड़ना ही चाहें तो ये वहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर क्या करेंगे, ज़मीन पर लेट जाएंगे, ये क्या करेंगे। इन्होंने पिछली दफ़ा ही लेट करने की एक्टिंग करने की कोशिश की लेकिन इनके इर्द गिर्द रेंजर्स वालों ने इस कदर सख्त घेरा डाला हुआ था, और यही ज़ुबैर गुल के भाई इजाज़ गुल जो हैं उनके साथ भी उनकी तरफ कलामी हुई, और नासर भट्ट के साथ भी तरफ कलामी हुई, और अमरीका से आए हुए एक और जो इनके अवान साहब हैं उनके साथ भी तलख कलामी हुई। तो उन्होंने जल्द ही, बल्कि 15 मिनट के अंदर अंदर मियां साहब को पैक करके गाड़ी में बिठा दिया, जबकि जहाज़ बिल्कुल करीब खड़ा था, तो जहाज़ में बिठा के डेरा जेल ले गए। तो अब भी डरते हैं, सितंबर का महीना बड़ा सख्त है, मैं जैसा कि बताया करता हूँ, पंखे ख़राब हो सकते हैं, बत्ती किसी वक्त भी जा सकती है, बत्ती चली जाती है जेल के अंदर, कोई जनरेटर भी हो तो ख़राब हो जाता है, वो क्या, तो 2 मिनट के लिए भी अगर ऐसा हो गया तो मियां बीमार शरीफ उस मामले से खूब डरते हैं। लिहाजा गारंटियाँ मांगी गई कि जाती उमरा को जेल बनाया जाए, जो नहीं मानी गई, और बिल आखिर ये मुलाकात नाकाम होगी, अच्छी तरह नाकाम होगी, सुपर फ्लॉप होगी। और यहाँ ये भी बताता चला जाऊँ कि इस मुलाकात के कराने में एक सिफारिश भी थी, और वो सिफारिश भारतीय कारोबारी शख्सियत जिंदाल की थी, और उनके एक और भी साथी हैं, उनकी भी ये सिफारिश थी कि मुलाकात कर ली जाए, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक जनरल बाजवा अभी इस मुलाकात के करने में कुछ जो है वो पुशोपुश कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी इंडियन जो मैं शख्सियत का नाम ले रहा हूँ उनके कहने पर ये मुलाकात कर ली गई, तो मुलाकात नाकाम हो गई। दूसरी बड़ी खबर आपको ये देनी है कि आज 14 अगस्त के नाम पर एक बड़ा फ्रॉडिया अताउल हक फ्रॉडिया, जिसका तल्लक पाकिस्तान के उस फिरके से है जिसको पाकिस्तान का आइन गैर मुस्लिम करार देता है, उसकी तस्वीर भी मौजूद है उसके साथ, अपने खलीफा के साथ,
वो एक वेम्बले अरीना में जश्न आजादी का प्रोग्राम कर रहा है, जश्न आजादी के नाम पर कैमोफ्लाज होकर अवार्ड शो कर रहा है, जिसको पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी जो है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज जब हमने पाकिस्तान के हाई कमीशन में मुतय्यन प्रेस ताशी मुनीर साहब से बात की तो उन्होंने इस प्रोग्राम से ला तल्लकी का इजहार किया। और यहाँ हैरत अंगेज खबर ये भी है कि वो बच्चा शियान अली उसको भी इस फ्रॉडिये ने फांस लिया है और उससे कोई पता नहीं साइन करवा रहा है कोई किसी टिकटों पे किसी उस पर टेंगो पे टेंगो की एक कंपनी पे उसको कह रहा है साइन अप करें, अगर आप साइन अप करेंगे हम आपको टिकट फ्री देंगे। और हैरत की बात यह है कि टेंगो की वो कंपनी का एक पार्टनर सुनील शेट्टी जो है वो भारतीय है और शियान अली शायद अपनी कम इनमी की बिना पर उनको सपोर्ट कर रहा है, भारतीयों को सपोर्ट कर रहा है जो कि पाकिस्तान की बात करता था, इमरान खान की बात करता था। ये भी नमा फिक्रिया है, बच्चों को भी फंसा लेते हैं और बच्चों को फिर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन इसके साथ साथ मेरे पास एक और बड़ी ही अहम खबर है और वो इतला है बेसिकली कि मैं खुद बेल्जियम जा रहा हूँ और बेल्जियम जाकर मैं आपको वहाँ से मुखातिब होकर जनरल कमर जावेद बाजवा की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपको उस फार्म हाउस की सैर करा दी जाए कि जहाँ के चर्चे हैं पूरी दुनिया में। और इसके साथ साथ ये भी बताता चला जाऊँ कि मियाँ बीमार शरीफ ने अपने साथियों से मशवरा किया और अब उनका ख्याल है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि आज कल का लाहौर का जलसा देखकर इनकी कंपनी डांक रही हैं, होश उड़ गए हैं, चिड़िया वाले चुचड़ चुचड़ के भी होश उड़ गए हैं, उसकी चिड़िया ही उड़ गई है। और मैंने तो सुना है कि उसकी चिड़िया ने किसी और जगह जाकर पद मारने शुरू कर दिए हैं। तो अब जो है ना वो सारे घबराए बैठे हैं और इलेक्शन का ऐलान करने के लिए सोचो विचार जारी है। जो भी हो, इमरान खान ने वाज़े तौर पर कह दिया फौज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमें ये समझा जाए कि हमारी फौज, हमारी तो उन लोगों से लड़ाई है जो फौज के इदारे को भी बदनाम कर रहे हैं। फौज का वो अदारा जिसकी शहादतें, नौजवान शहादतें जिनसे तारीख भरी पड़ी है, उसको बदनाम करने वालों से हमारी लड़ाई है और रहेगी। ये नहीं है कि हम कोई भाग रहे हैं किसी मैदान से या कोई यू टर्न ले रहे हैं। इमरान खान ने कहा वो लड़ाई रहेगी। और इमरान खान ने फिर इनके करतूतों के बारे में यानी मियां बीमार शरीफ और मरियम सफदर के क्लिप दिखाकर अपने जलसे में जो है वो दिखाया लोगों को कि इनका बयानिया क्या है और हमारा बयानिया पाकिस्तान की फौज के बारे में क्या है। बड़ा जलसा था, पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा जलसा, पैक था लाहौर, लाहौर का मैं रहने वाला हूँ, जिसको भी फ़ोन किया उसने कहा भाजी जगह नहीं गी, जगह नहीं गी। पैक था, जिन लोगों के पास गाड़ियां थी वो गाड़ियों की छतों पर, जिन लोगों के पास मोटरसाइकिलें थी वो मोटरसाइकिलों पर खड़े होकर, स्टेडियम पैक, जगह जगह लोग थे। और ये सारा लोगों का मोहब्बत भरा इमरान खान के साथ मज़ारा देखकर मुझे पता चला है कि मरियम सफदर अवान को हैजा हो गया है, हैजा, हैजा समझते हैं, हाँ जी, तो वो हैजा हो गया, हाँ जी, तो वो हैजे को आप कुछ भी समझ लें तो वो इस उम्र में वो दूसरे वाला हैजा तो होता नहीं है। तो अब जो है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और वो बैकी बैकी बातें कर रही, कभी चचा को गालियाँ, कभी हमजा कुकड़ी को गालियाँ, और कभी मैं लंदन में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, इस किस्म की बातें मेरे ज़राए बता रहे हैं वो कर रही हैं, बहक गई हैं इतना बड़ा जलसा देख के। बहरहाल पाकिस्तान को खुशहाल देख कर भी बहक जाते हैं ये लोग और फिर पाकिस्तान की रगें काटने के लिए मैदान में आ जाते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन छके। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।